हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DFO इंटरनेट में। देखिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। आप अपने मोबाइल पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देख पाएंगे। देखिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2023 का, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आप किसी साइबर कैफे वाले पे देखने जाते हैं या फिर, तो आप अपने मोबाइल पे आसानी से उसको कैसे देख पाएंगे। 2022-23 का जो सेशन था उसका MA का रिजल्ट अभी जारी हुआ है। BA, BSc, BCom सेमेस्टर वाइज जो रिजल्ट है उसको कैसे चेक करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने सीधे अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो आइए आपको सीधे ले चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टाइप कर देना है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो ये इस टाइप का आपको सजेशन में आने लगेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आप यहीं पे लिखेंगे SIDD सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी जैसे लिखेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको पहले वाले इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 लाइन का एक वो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एग्ज़ामिनेशन का लिंक दिखेगा टैब, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे 2 लिंक खुलेगा, एक टाइम टेबल का कि टाइम टेबल आप कैसे देखेंगे और एक रिजल्ट का, तो आपको रिजल्ट वाले पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रिजल्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि आपका सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन है या फिर एनुअल एग्ज़ामिनेशन है। तो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर रहेगा तो इस वाले पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको जो मेन एग्ज़ाम है उस पर आपको क्लिक कर देना है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आइए मैं मेन एग्ज़ाम या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम पे क्लिक कर देता हूँ। इधर तो इधर आपको दिखेगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में किनका किनका रिजल्ट आ चुका है, आपको देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना टाइप करना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर टाइप करना है। रोल नंबर यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करेंगे, उसके बाद में एक कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, एक कैप्चा फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर बैक करके, यहाँ बैक वाले टैब पे क्लिक करके आप जो है दूसरा रिजल्ट किसी के और का देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।